Hello students, today we are going to learn unit 11 from your English textbook and the name of the unit is Indian Music. So let's start activity 1. Activity 1 में हम देखेंगे कुछ music instruments दिए गए हैं एक box में, इसको हम identify करते हैं, पहचानते हैं कि कौन कौन से हैं. Harmonium, तबला, मैंने सबके नेम उसके नीचे लिख रखे हैं. हारमोनियम, तबला, सितार, तानपुरा, फ्लूट, सरोद, वायलिन, ये सारे कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब आगे देखते हैं. इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक. नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक इन पर्टिकुलर इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड. जो इंडिया में जो संगीत है उसका बहुत ही लंबा इतिहास है, यानी म्यूज़िक का बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया में. नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक इन पर्टिकुलर इज़ ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड. जो उत्तर भारतीय जो म्यूज़िक है, यानी उत्तर भारतीय जो संगीत है, वो 2000 ईयर्स से भी अधिक पुराना है. Indian classical music has two basic components which are राग, the melody, and ताल, the rhythm. जो Indian classical music है इसके two basic parts हैं, जो कि है राग यानी the melody and ताल यानी rhythm. There are hundreds of rags and tals. However, if we learn the basic composition of the taal, it is not hard to follow some Indian music by tapping along. अगर हम जो इसका जो ताल का जो बेसिक है, अगर वो हम सीख लेते हैं, तो जो कुछ इंडियन म्यूज़िक हैं उनको समझ पाना या उनका पालन कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब कठिन नहीं है. अब हम आएंगे एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 में हम देखेंगे कि लता मंगेशकर, इनके बारे में दिया गया है, जो कि कौन सी पर्सन आपने सुना होगा. लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी सिंगर हैं. इन्होंने अपनी जो पूरी जो इंटायर लाइफ है, मतलब पूरी जो अपनी लाइफ है, वो इन्होंने म्यूज़िक के लिए डिवोट कर दी, मतलब पूरा म्यूज़िक के लिए इन्होंने लगा दिया. तो लता मंगेशकर के बारे में इस एक्टिविटी 3 में हम देखेंगे क्या लिखा गया है. लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. जो लता मंगेशकर हैं वो बहुत ही फेमस सिंगर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, ठीक है. शी हैज़ संग मोर देन 30,000 सॉन्ग्स इन 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस. और इन्होंने 30,000 से ज़्यादा सॉन्ग गाए हैं 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, यानी 20 अलग अलग भाषाओं में. लता मंगेशकर वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन इंदौर. लता मंगेशकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 सितंबर को 1929 में इंदौर में हुआ था. हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज ऑल्सो अ फेमस सिंगर. इनके फादर जिनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर, वो भी बहुत फेमस सिंगर थे. लता लर्न म्यूज़िक एट अ वेरी यंग एज. और लता मंगेशकर ने जो ये म्यूज़िक की जो शिक्षा ली, जो ये म्यूज़िक सीखा, उन्होंने बहुत ही कम एज में सीख लिया था. लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग When her father passed away, जब उनके फादर की जब डेथ हुई तो वो बहुत ही छोटी थी. जो लता मंगेशकर थी उस समय वो बहुत छोटी थी. To take care of her family, लता acted in 8 films. और अपनी फैमिली की देखभाल करने के लिए जो लता मंगेशकर हैं, उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया. Her first हिंदी playback was फॉर द फिल्म आपकी सेवा में 1947. इन्होंने जो पहला जो काम किया था हिंदी फिल्म, उस किस में किया था? आपकी सेवा में, जो कि 1947 में आई थी. इन 1949 शी हैड 4 मेजर हिट फिल्म्स, बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल. उसके बाद इन्होंने 1949 में
चार बड़ी फिल्मों में काम किया, जो कि हैं फिल्मों के क्या नाम हैं, बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल. शी सैंग सॉन्ग्स विथ फेमस सिंगर्स लाइक मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश एंड सोनू निगम. इन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स जो थे उनके साथ गाना गाया, जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश और सोनू निगम. हर सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन मेड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन इन द इंडस्ट्री. इनकी सक्सेस, जो ये जिस तरह से आगे बढ़ी हैं, उनकी सक्सेस और इनके डिटर्मिनेशन, यानी इनके जो जो ये काम करती थी, जो इनके काम की जो क्वालिटी थी, जितना ये कठिन काम करती थी और इसकी जो एक क्वालिटी होती थी, उसकी वजह से ये जो है बहुत ही फेमस थी, फेमस हो गई इंडस्ट्री में. शी इज़ द मेलोडी क्वीन ऑफ द इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड. और इनको राग रानी के, मतलब इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड में इनको राग रानी के रूप में जाना जाता है. लता मंगेशकर हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स. लता मंगेशकर को जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले. द हाइएस्ट ऑनर अमोंग दीज अवार्ड्स वॉज भारत रत्न. और इन अवार्ड्स में जो इनको सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला था वो कौन सा था, भारत रत्न. After receiving all these awards, she stopped accepting awards to promote new talent. और जब ये सब अवार्ड जब इनको मिल गए तो फिर उन्होंने अवार्ड लेना बंद कर दिया, ताकि जो नए लोग हैं, जो नया टैलेंट है, जो वो आगे आ सके. She continues to sing even today and perform live also. लता मंगेशकर जो हैं वो आज भी गाती हैं और लाइव परफॉर्मेंस देती हैं. लता मंगेशकर इज़ ट्रूली अ लिविंग लेजेंड ऑफ इंडियन म्यूज़िक. जो लता मंगेशकर हैं वो इंडियन म्यूज़िक का जो जीता जागता स्वरूप है, मतलब जीता जागता उदाहरण है, स्वरूप है. अब हम आएंगे एक्टिविटी 4. कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम उसको देखेंगे क्या है ये. फर्स्ट बॉक्स में देखिए क्या है, फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड, इसके बारे में दिया गया है. द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन कोलकाता इन द ईयर 1898. जो फर्स्ट जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है वो कोलकाता में ईयर 1898 में बनाया गया था. थॉमस एडिसन इन्वेंटेड अ साउंड मशीन. जो थॉमस एडिसन है उन्होंने एक साउंड मशीन का आविष्कार किया, इन्वेंट किया, विच वॉज कॉल्ड फोनोग्राफ, जिसको फोनोग्राफ कहा जाता है. इन 1877, कौन सी ईयर में उन्होंने किया था आविष्कार, 1877. यानी थॉमस एडिसन ने एक साउंड मशीन का आविष्कार किया था 1877 में, जिसे फोनोग्राफ कहा गया. हेमंद्र मोहन बोस ऑफ कोलकाता इम्पोर्टेड द फोनोग्राफ मशीन एंड मेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड. हेमंद्र, कोलकाता के जो हेमंद्र मोहन बोस जो थे, उन्होंने जो फोनोग्राफ मशीन थी उसको आयात किया, यानी उसको मतलब लेके आए अपने देश में, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाया उन्होंने. द रिकॉर्ड वर पॉपुलरली नोन एज बोस रिकॉर्ड्स. और जो ये रिकॉर्ड थे ये किससे पॉपुलर हुए, मतलब प्रसिद्ध हुए, बोस रिकॉर्ड के रूप में जाने जाते थे. अब हम सेकंड बॉक्स में देखेंगे क्या दिया है. फर्स्ट म्यूजिक स्कूल. द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गंधर्व महाविद्यालय इन लाहौर. जो पहला जो म्यूज़िक स्कूल था इंडिया में वो कौन सा था, गंधर्व महाविद्यालय, जो कि लाहौर में था. इट वॉज सेटअप बाय पंडित पलुष्कर हु वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र. और इसको किसने स्थापित किया था, पंडित पलुष्कर ने, जो कि कहाँ पे जन्मे थे, जहाँ पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में. अब हम एक्टिविटी 5 में आएंगे. यहाँ भी एक इन्फॉर्मेशन दी है, फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड. यानी पहले संगीतकार जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला वो कौन थे, उसके बारे में यहाँ दिया गया है. द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव पद्म भूषण वॉज एम एस सुबलक्ष्मी. जो
पद्म भूषण प्राप्त करने वाली जो पहले संगीतकार जो थे वो कौन था, MS सुब्बलक्ष्मी थी वो, ठीक है। इनको पहला ये पहली संगीतकार थी जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। शी रिसीव्ड पद्म भूषण अवार्ड इन द ईयर 1954, और ये अवार्ड इनको कब मिला था, 1954। शी वॉज पॉपुलरली नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया, और इनको किस उससे ये जानी जाती थी, नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। शी वॉज बॉर्न ऑन September 16th, 1916 इन द टेम्पल सिटी मदुरई, और इनका जन्म 1916 में 16th September को हुआ था टेम्पल सिटी मदुरई में। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।